हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा रेमेडी तैयार करने वाले हैं जो स्पेशली आपकी फटी एड़ियों के लिए होगा। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमारी एड़ियाँ फटने लगती हैं और कुछ लोगों को एड़ियाँ फटने की इतनी ज़्यादा समस्या होती है कि उनकी एड़ियों से खून निकलने लगता है। तो अगर आप भी सूखी फटी एड़ियों से परेशान हैं तो आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारी स्किन के दूसरे हिस्सों की तरह हमारी एड़ियों की स्किन में ऑयल सब्सटेंस नहीं पाए जाते, जिससे कि उनकी स्किन हमेशा ड्राई रहती है और उनकी स्किन में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता। इस वजह से ठंड के बढ़ने के कारण आपकी एड़ियां फटने लगती हैं। तो आज हम बता रहे हैं बहुत ही असरदार उपाय जिसका यूज़ कर आप अपनी फटी एड़ियों की समस्या को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम बताते हैं घर की कैसी नेचुरल चीज़ों के साथ आप इस रेमेडी को तैयार करके अपनी फटी एड़ियों पर, जिससे कि आपकी फटी एड़ियां एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाएं। तो दोस्तों, यहां पर आपको इस रेमेडी को तैयार करने के लिए कुछ इन चीज़ों की ज़रूरत होगी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसमें पहली चीज़ आपको चाहिए कपूर। तो यहाँ पर आपको एक कपूर की टिकिया को किसी क्रशर के अंदर डालकर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। ये आपकी सूखी फटी एड़ियों को मॉइस्चर देने का भी काम करेगा, साथ ही फटी और दरारे पड़ी एड़ियों को ठीक करने में मदद करेगा। दोस्तों, यहाँ पर इस रेमेडी को तैयार करने के लिए एक स्टील का बाउल ले लीजिए और इसमें आपको ऐड करना है कपूर का पाउडर। 1 से 1.5 चम्मच आप यहाँ पर इसके अंदर कपूर का पाउडर डाल दीजिए। दूसरा इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर चाहिए मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का। एड़ियों को मॉइस्चर करने के लिए, साथ ही फटी एड़ियों की समस्या को दूर करने के लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप इसके अंदर मिला दीजिए 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल और दोनों को एक बार से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको चाहिए 1 मोमबत्ती, आपको कैंडल का यूज करना है। यदि आपकी एड़ियों में दरारें पड़ चुकी हैं तो ये मोम आपके दरारें पड़ी एड़ियों को ठीक करने में मदद करेगा। 1 मोमबत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इस रेमेडी के अंदर डाल दीजिए। और दोस्तों, अब आपको इस नुस्खे को तैयार करने के लिए इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है। आप इसे हल्की आँच पर थोड़ा गर्म कर लीजिए जिससे कि आपका ये मरहम बन करके तैयार हो जाए। ये मैंने अच्छी तरह से इसे गर्म कर लिया है। उसके बाद मोमबत्ती के धागे हम इसमें से अलग कर देंगे और हमारा जो मरहम होगा काफ़ी अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगा। आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि जो ये रेमेडी होगी जम करके तैयार हो जाएगी और ये मरहम आपकी फटी एड़ियों को बिल्कुल ठीक करने में मदद करेगा। तो इस मरहम को आप स्टोर करके रख सकते हैं एटलीस्ट 10 दिन के लिए। तो आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। किसी एक कंटेनर को लीजिए और किसी प्लास्टिक के कंटेनर में आप इसे आराम से स्टोर करके रख लीजिए और ये क्रीम आपकी कुछ इस तरह से दिखेगी जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ये क्रीम आपकी फटी एड़ियों को बिल्कुल ठीक करने में बहुत मदद करती है। तो इसे यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने पैरों को अच्छी तरह से गर्म पानी के साथ वॉश कर लीजिए। एटलीस्ट 15 मिनट तक गर्म पानी में अपने पैरों को डुबा कर रखिए जिससे कि गंदगी और मैल आपके पैरों की निकल जाए, साथ ही आपकी एड़ियों की स्किन सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ड्राई करके आप इस क्रीम को अपनी फटी एड़ियों पर अप्लाई करें और मसाज करें और मसाज करने के बाद आप सॉक्स पहनकर सो जाइए। और रोज़ाना 7 दिन तक इसे यूज़ करने से आपकी फटी हुई दरारें पड़ी एड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम हो जाएंगी। घर पर इस क्रीम को बनाकर फटी वीडियो पर यूज करके देखें और साथ ही में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।